अभी यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया है और अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत है उस वजह से। अच्छा चलो सफ़र दे, कितना सफ़र है अभी? अभी 5 किलोमीटर के ऊपर हमारा नाइट होएगा। लेकिन मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने शीशे वाले गिलास में पानी पी लिया जो इनका गिलास है, तो वहाँ के जो होटल वाले जो काम कर रहे हैं तो थोड़े लड़ पड़े कि भाई हमारे गिलास में पानी नहीं है। तो जो भी अपने हिंदू भाई चाय वगैरह पी रहे थे उनको कप या गिलास वगैरह नहीं दिया होटल वालों ने, पैसे दे रहे थे फिर भी। तो ये सब यहाँ पर देखा गया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज ये हमारा दूसरा दिन और अभी हम आगे निकल चुके हैं और ये दूसरा एपिसोड हमने स्टार्ट किया है क्योंकि वैसे हर एक मोमेंट आई वांट टू रिमेंबर, जो भी मोमेंट है सेव करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है, सिर्फ बच्चा स्टे करें और यहाँ पे देखें यात्री अपने बैठ गए हैं बेचारे। तकरीबन अभी 3 किलोमीटर अपने पन चले हैं और रेस्ट कर रहे हैं, निकल चुकी है उस वजह से ज़्यादा नहीं चला जाएगा बेहतर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी डिस्टेंस कितना रह गया है। बाकी यहाँ से आप डिस्टेंस देख सकते हैं, नूरियाबाद 34 किलोमीटर, शायद नूरियाबाद में हमारी आज नाइट हो। और नीचे है भाई पोर्ट कासिम 113 किलोमीटर, कराची 129 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस रह गया नूरियाबाद में, शायद हम आज नाइट करेंगे। 34 किलोमीटर आज जो डिस्टेंस कवर करना है, देखते हैं क्या होता है। बरहाल फिलहाल तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करते हैं और निकल चुकी है डाइट वाले। बोला भाई दो खबर पानी का, उसके बाद हम चलेंगे अपना 32 मील मोरी पे, हमारा आज का स्टॉप होगा। 32 मील है, 32 मील कितना डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ तो नूरियाबाद तो 34 किलोमीटर है। बाकी देखते हैं कहाँ स्टॉप करते हैं, कहाँ पे नाइट करते हैं, पूरा पूरा आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। जहाँ पे थोड़ी देर बैठे और ये जो बोर्ड लगा उसका छाँव था उसके नीचे बैठ गए और आगे भी भाई लोग बैठे हुए हैं। इस तरफ आप देखें जहाँ पे थोड़ी थोड़ी छाँव थी वहाँ पे बैठ गए। मैं कोई एक स्पेस ढूंढ रहा हूँ कहीं बैठ जाऊँ क्योंकि थोड़ी सी थकान उतरे और पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। दर्द है नहीं पाँव में, ये भाई के पाँव के सोलिंग हो गई है और मेरे भी पाँव दर्द कर रहे हैं आज। चलो बैठते हैं, माता रानी कृपा करेगी। बस अभी तकरीबन 10-12 घंटा रेस्ट किया और अभी दोबारा से सफ़र शुरू होता है। अब यहाँ से पता नहीं कितना दूर आगे चलेंगे, नाइट में कहाँ से करेंगे पता नहीं, लेकिन अभी सफ़र कंटिन्यू है सब यात्री। और धूप इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल हो रही है धूप, बट हवा भी खुली हुई है माता रानी की कृपा से, उसके लिए इतनी आसानी कर दी है कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं है। तो गैस अभी हम कराची वाली साइड एरिया में आ चुके हैं, जैसे कि नूरियाबाद के हम करीब पहुँच गए, करीब नहीं बल्कि तकरीबन अभी 25 किलोमीटर दूर है। लेकिन हैदराबाद टंडोलिया जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन अभी इस साइड दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, पानी की दिक्कत ज़्यादा है। पर फिर भी माता रानी हमारे साथ है और कहीं साथ साथ टहलते टहलते काफ़ी हमारे भाई के मतलब कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पैदल चल रहे हैं पाँव में दर्द होगा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन माता के सदके सब चलने के लिए तैयार हैं और चलते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ आएगी, माता रानी इम्तिहान तो ज़रूर लेगी भाई, पैदल चले हैं तो ज़रूर इम्तिहान तो लेगी, तो वो इम्तिहान देने के लिए हम तो तैयार हैं और आप लोग भी देखते रहें कि माता हिला जी की यात्रा करने जाते हैं वो कैसे करते हैं, और पैदल स्पेशली आज तक किसी ने ब्लॉग नहीं बनाए कि पैदल यात्रा कैसे की जाती है और लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे जो अब हम जो एरिया क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब देखें कहाँ पे स्टे करते हैं, और पहले वहाँ पे फ्रेश हो रहे थे लेकिन यहाँ पे फ्रेश होने का चांस कम ही हुई, नहाने के लिए तो दूर की बात है, पीने के लिए पानी मिल जाए वही बड़ी बात है। यहाँ पर अभी स्टे कर रहे हैं थोड़ी देर, यहाँ पर ये दरख्त नज़र आ रहे हैं तो बैठने जैसी जगह, तो स्टे करेंगे यहाँ पे। और गाड़ी भी आगे खड़ी हुई है सामने चाचू वाले की, सारे यात्री नीचे उतर चुके हैं हाईवे से और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1-2 घंटे करेंगे क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है उस वजह से। तो अभी आस्ता आस्ता से नीचे जा रहे हैं, आगे पीछे होते जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे हाईवे की उस तरफ लोग जा रहे हैं और हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए, पीने के लिए और मोबाइल वगैरह चार्ज करने। तो यहाँ पे एक जनरल स्टोर है होटल भी, वहाँ पे बैठ के पानी वगैरह पियेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और मोबाइल भी थोड़े बहुत चार्ज करेंगे। तो माता रानी ने सुन ली, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आ गया और होटल भी है, वहाँ पे हम पानी भी पी सकते हैं।
और रात में जो से दो सकते और इस तरफ रेस्ट करेंगे जो दूसरे पैदल जाते हैं। हम तो अभी जा रहे हैं पानी भरने के लिए और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस इस तरफ जाएंगे। बस अभी हम पहुँच चुके हैं होटल, यहाँ पे सारे के सारे भाई लोग बैठे हुए हैं और हमने यहाँ पे मोबाइल चार्ज पे लगा दिया है, पावर बैंक चार्ज पे लगा है, थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए फिर यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं और यहाँ पे हम होटल पे बैठे थे, तकरीबन 3 से 4 घंटे रेस्ट किया और अभी निकलते हैं यहाँ से। यात्री निकल चुके हैं आगे, हम होटल पे बैठे थे और अभी मैंने सन ब्लॉक लगाया है, ये असल में धूप पे निकले ना तो स्कैन जल जाती है, उस वजह से मैंने सन ब्लॉक लगाया और कुछ भी नहीं है। मेरे साथ इस भाई साहब ने भी लगाया, ये देख। बहरहाल अभी दोबारा से ये अपना सफ़र शुरू होता है और आप लोग सपोर्ट करते चलें और जैसे अभी प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार देते रहें ताकि हमारे जो आने वाले जो 12 दिन जो रह गए उसी तरह से हमारे पूरे हो जाए। तो अभी यात्रियों से जाके मिलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी चाचू ने ये रास्ते में जा रहे हैं तो ये देते हुए जा रहे हैं चिप्स वगैरह, तो भूख वगैरह लगी है तो खाने के लिए। तो गाइस अभी मैं फर्स्ट में आ चुका हूँ और अभी रेस्ट करने का सोच रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ज़्यादा रेस्ट होगा। और यहाँ पर हमारे साइड तो कुछ ना कुछ हरियाली हरियाली नज़र आती है लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, कोई दरख्त भी प्रॉपर नहीं है कि बंदा रेस्ट करे। तो इस साइड यही सीन है कि भाई गांव वगैरह नहीं है और पैदल चल रहे बस अपनी साइड और अपने तरीके से चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं है जैसे अपने साइड लगे हुए हैं जैसे हैदराबाद और डंडोलिया साइड है। 5 किलोमीटर उसको नाइट करेंगे फिर सुबह निकलेंगे रात को 2 बजे। तो वैसे अभी 5 किलोमीटर रहता है और फिर उस नाइट में तकरीबन 2 बजे सफ़र शुरू होगा फिर से, लेकिन अभी यहाँ पे रेस्ट करके फिर निकलेंगे आगे। तो वैसे अभी हम होटल पे गए थे चाय लेने के लिए और चाय लेके अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने शीशे वाले गिलास में पानी पी लिया जो इनका गिलास है, तो वहाँ के जो होटल वाले जो काम कर रहे हैं तो थोड़े लड़ पड़े कि भाई हमारे गिलास में पानी नहीं है। तो जो भी अपने हिंदू भाई चाय वगैरह पी रहे थे उनको कप या गिलास वगैरह नहीं दिया होटल वालों ने, पैसे दे रहे थे फिर भी। तो ये सब यहाँ पे देखा गया, तो ये कराची वाली साइड है और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी नहीं है। पानी भी जो जहाँ से भर रहे हैं उनका अपना बंदा खड़ा किया, वो पानी भर भर के दे रहा था। बड़ा माता रानी कृपा करे और हमेशा खुश रखे, जो भक्तों की करेगा वो तो हमेशा खुश ही रहेगा। बड़ा जो भी अभी चलते हैं जहाँ पर अपना जत्था बैठा हुआ है, काफला बैठा है, वहाँ पर चलते हैं और चाय वगैरह उनको पिलाते हैं। यहाँ पे सब रेस्ट करने के लिए बैठ गए और तकरीबन अभी 3 किलोमीटर का पैदल बाकी है बट यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ पे चाय वगैरह पी लें उसी तरह से। अभी दोबारा से चलने की तैयारी, रघुवीर माता रानी के भक्त निकल चुके हैं तो सफ़र कंटिन्यू है और अभी तकरीबन 3 किलोमीटर आगे चलेंगे फिर वहाँ पर नाइट करेंगे फिर सुबह 2 बजे निकलेंगे। फिलहाल सफ़र जहाँ तक करके चल रहे हैं और आपके साथ भी शेयर करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे भारत से दुबई जो देख रहे हैं वो वीडियो ज़रूर शेयर करते हुए चले ताकि भारतीय लोग जो हमारे हैं वो माता रानी की यात्रा कर सकें, क्योंकि वो यहाँ तक आ नहीं पाते। तो अपने भारतीय भाइयों के लिए मैंने थोड़ा ये कष्ट किया है, कष्ट नहीं बल्कि एक यात्रा भी है और आप लोगों के साथ भी एक मैं पुण्य कमा रहा हूँ मैं से, मतलब कि मुझे ऐसे मेरे लिए एक बहुत बड़ी तरफ की बात है कि दुबई जो आ नहीं सकती उसको मैं यहाँ की सिचुएशन में माता रानी के दर्शन करा सकता हूँ। वैसे अभी हम 32 मिनट पहुँचने वाले हैं और अभी सुपर हाईवे यहाँ से कुछ चेंज हो चुका है, ये सामने टावर जो नज़र आ रहे हैं वहाँ तक हमें जाना है और अभी सूर्य जी भी ढल रहे हैं। तो आज तकरीबन पूरा दिन सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, थोड़ा दिक्कत तो हुई बट सफ़र अच्छा जा रहा है माता रानी की कृपा से और ऐसा ही चलता रहे। अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ट्रेलर कितना स्लो जा रहा है, अभी ये ऊपर चढ़ी है ना उस वजह से मतलब किसी स्लो जा रहा है और कितना फुल किया हुआ है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा हम तेज़ी से चलें ट्रेलर से भी तेज आएंगे बट हमारे हाल बुरे हैं, हम उससे भी स्लो जा रहे हैं। अभी यहाँ से सीधा रो जो दिखाई दे रही हो कराची खेरथर पार्क, ये जहाँ पर हम गुजर रहे हैं और नीचे थाना बुल्ला खान, 2 किलोमीटर के बाद थाने बुल्ला खान का रोड निकलेगा और ये खेरथर है जो आपको ये नज़र आ रहा है, खेरथर पार्क, ये पार्क है यहाँ पे, ये देख ले ये पार्क है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं 32 मील और यहाँ पे नाइट करेंगे, सारे के सारे यात्री बैठ चुके हैं और अभी यहाँ पे अपना आसन लगाएंगे और
आज की रात यहीं पे स्टे करेंगे 32 मील, और बैठते हैं, बहुत थक गए हैं आज। पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी खाना पीना हो रहा है, तो भिंडी बन रही है, भिंडी के साथ दही बनाएंगे। इसमें क्या है? आलू सब्जी भी है और यहाँ भिंडी दही वगैरह भी बनाएंगे। और रोटी पक रही है, रोटियाँ पक रही है, उसको कट्टे में डाली जा रही है काट के। यहाँ पे ये रोटी पका रही है पुप्पी, और उस तरफ रोटियाँ, ये तवा है, यहाँ पे रोटी पक रही है। दो रोटी आराम से पक सकते हैं। और यहाँ पे ये भाई लकड़ियाँ डाल रहे हैं। तो ये रोटियाँ वगैरह बन रही है जो अंकल जी भंडारा लेके आए, अब शुरू किया है, क्योंकि रास्ते में अपने हिंदू भाई आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे, लेकिन अभी इनका टाइम है खाना पीना भंडारा वगैरह कराने का। चावल शुरू कर चुके हैं, जमी लो जमी लो। खाना पीना स्टार्ट हो चुका है भंडारा। ये मुकेश भाई रोटी चला रहे हैं और धर्मशी भाई चावल चला रहे हैं, और यहाँ पे ये रोटियाँ वगैरह लेके जा रहे हैं। ये भाई और यहाँ भी सब्जी बनाई हुई है दही वाली। हम बोतल हमारे यहाँ 50 रुपए की मिलती है और यहाँ पे 150 रुपए की। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पानी महंगा होता जाएगा। और ये 50 वाली बोतल है और यहाँ पे 150 की। बहरहाल हमें तो लेनी है, पानी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। चलो चलते हैं, खाना वगैरह खा लिया।